द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 ऋण 3x धन 2 एक द्विघाती बहुपद है। इस बहुपद के शून्यक x के वे मान होंगे जिनके लिए पी एक्स शून्य होगा। शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले x की घात 2 ऋण 3x धन 2 के गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पास है x की घात 2 ऋण 3x धन 2 बराबर, हम x की घात 2 को लिखेंगे और ऋण 3x के स्थान पर हम लिखेंगे ऋण 2x ऋण x। इनका योग जो है ऋण 3x हो रहा है, और जब हम ऋण 2 को ऋण 1 से गुणा कर रहे हैं तो हमें स्थिरांक 2 प्राप्त हो रहा है, ये धन 2। तो ऋण 3x के स्थान पे हमने ऋण 2x ऋण x लिखा, जो कि इसका योग ऋण 3x हो रहा है, और ये जो धन 2 है ये धन 2 का धन 2 लिखा गया, और जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। ऋण 2 को ऋण 1 से गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त होता है, और ऋण 2x और ऋण x का योग करने पर हमें ऋण 3x प्राप्त होता है। इस तरह से हमने मध्य पद को तोड़ा है। अब हम पहले दो पद को कोष्टक में ले लेते हैं और अंतिम के जो दो पद है उसमें से ऋण 1 को उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा x ऋण 2, ऋण 1 को उभयनिष्ठ निकाला है तो यहाँ पे x आया, और धन को हम ऋण ऋण गुणित ऋण लिख सकते हैं क्योंकि ऋण उभयनिष्ठ निकाला है, तो यहाँ ऋण हमें कोष्टक के अंदर 2 के सामने ऋण 2 होगा। इस तरह से बराबर, अब यहाँ से प्रथम कोष्टक से हम x को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x ऋण 2 ऋण 1 x ऋण 2। उभयनिष्ठ x ऋण 2 जो है दोनों पदों में है, तो हम फिर से पुनः x ऋण 2 का उभयनिष्ठ निकालेंगे और x ऋण 1 हमारे पास प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने x की घात 2 ऋण 3x धन 2 का गुणनखंड कर प्राप्त किया x ऋण 2 x ऋण 1। बहुपद x की घात 2 ऋण 3x धन 2 का मान शून्य होगा यदि x ऋण 2 गुणा x ऋण 1 बराबर शून्य, या x ऋण 2 कोष्टक में बराबर शून्य, या यहाँ पे हम x ऋण 2 बराबर शून्य ले रहे हैं, या x ऋण 1 कोष्टक में बराबर शून्य। या x ऋण 2 बराबर शून्य, या x ऋण 1 बराबर शून्य। इसीलिए x बराबर ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2, या x बराबर ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1। अर्थात x की घात 2 ऋण 3x धन 2 के शून्यक दो व एक है। अब वर्ग समीकरण x की घात 2 ऋण 3x धन 2 बराबर शून्य में x के ऐसे मान पता करते हैं जिनके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो। हम इन मानों को मूल कहते हैं। तो पुनः हम x की घात 2 ऋण 3x धन 2 बराबर शून्य ले लिए, x की घात 2 ऋण 3x धन 2 बराबर शून्य ले लिया। अब हमने इसका जो गुणनखंड निकाला था वह था
एक्स ऋण दो और एक्स ऋण एक बराबर शून्य, या एक्स ऋण दो कोष्टक में बराबर शून्य, या एक्स ऋण एक कोष्टक में बराबर शून्य। इसीलिए एक्स बराबर दो या एक्स बराबर एक, यहाँ पे हमने ऋण दो का पक्षांतर किया तो हमें प्राप्त हुआ एक्स बराबर दो, या ऋण एक का पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर एक। यहाँ हम पाते हैं कि समीकरण एक्स बराबर दो और एक के लिए संतुष्ट हो रहा है। एक्स के यही मान बहुपद एक्स की घात दो ऋण तीन एक्स धन दो के शून्यक भी है। अतः हम कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद के शून्यक उस बहुपद से बनाए गए समीकरण के मूल होते हैं।